सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने पीओ मैडम को नोटिस दिया है। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की सचिव ने कहा कि आज सिर्फ नोटिस दिया गया है, लेकिन सरकार ने अगर अपना वायदा पूरा नहीं किया तो 29 मई को तालमेल कमेटी के साथ मीटिंग करके आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। दरअसल अपनी मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर्स बीते लंबे समय से धरने पर हैं, जबकि बाद में सरकार द्वारा मांगे जाने पर धरना समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि धरने के दौरान हरियाणा सरकार ने वायदे किए थे, टर्मिनेट किए गए वर्कर्स को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसकी वजह से यह धरना लगातार इसी तरीके से जारी है। लगातार हड़ताल चली थी, उसमें कुछ बहनों को टर्मिनेट किया गया था। पूरे हरियाणा की तो 975 है और हमारे जिले की 24 है। तो जब 4 अप्रैल को हमारी डायरेक्टर मैडम से बात हुई थी, तो बातचीत में डायरेक्टर मैडम ने कहा था कि जो टर्मिनेट है उनको बहाल कर देंगे और जो बकाया मानदेय है वो 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से काट कर दिया जाएगा और जिस पे मुकदमे दर्ज है वो हम कैंसिल कर देंगे भी। ये बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने 7-8 दिन का ही टाइम लिया था, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं फिर भी हमारी ये सरकार है गूंगी बेरी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पीओ को नोटिस दिया है। सिरसा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है सरकार के विरोध में, और साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। 29 मई को होगी आंदोलन की घोषणा। तो सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगाए हैं कि इससे पहले सरकार ने वादा किया था जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार के ऊपर वादा खिलाफी के लगातार आरोप लग रहे हैं।